जरा सोचिए, 95 साल की उम्र में किसी की मौत हो जाए, गमजदा परिजन शमशान घाट में चिता को अग्नि देने की तैयारी कर रहे हों, और उसी वक्त चिता पर रखी लाश की सांसें अचानक चल पड़े, शरीर गर्म हो जाए और पलके झपकने लगे। जी हाँ, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से, जिसके बाद परिजन चिता पर लेटाई गई लाश को उठाकर आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर गए। ऐसा लगा कि उसकी कोई डेड बॉडी थोड़ी थोड़ी गर्म थी, उस वजह से लोगों को डाउट हो गया कि हो सकता है ये जिंदा हो। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के पल्लड़ गांव निवासी 95 साल के बुजुर्ग हरिराम की मौत हो गई थी। गमगीन माहौल में परिजन अपने चिर परिचितों के साथ बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चिनाब के किनारे तलबाड़ा शमशान घाट ले गए। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। लकड़ियों की सैया पर बुजुर्ग की लाश को लेटा दिया गया। दाग देने से पहले जैसे ही हरिराम के मुंह में आखिरी बार देशी घी और गंगा जल डालने की प्रक्रिया शुरू की गई, वैसे ही एक रिश्तेदार ने हरिराम के मृत शरीर में अचानक कुछ हलचल होते देखी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। डेड बॉडी जैसे रीति रिवाज के साथ डेड बॉडी जो है चीखा के ऊपर इनको लगाया, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो हमारा एक हिंदू रीति के मुताबिक जो घी मुंह में डालते, एक लड़के ने वो डाला तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा गर्म है। तो 300-400 की संख्या में जहाँ लोग थे, तो बड़े बड़े जो सियाने लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, सब उसको ऐसे चेक करने लगे तो बोलने लगे कि डेड बॉडी गर्म तो है। परिजनों की माने तो अब तक अकड़ चुकी डेड बॉडी में अचानक से गर्माहट पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सांसें ले रहे हैं। शरीर में अचानक ये परिवर्तन देख परिजनों ने हरिराम की डेड बॉडी को चिता से नीचे उतारा और आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल की तरफ लेकर भाग खड़े हुए। परिजनों को आस थी कि हरिराम अभी जिंदा है, लेकिन बुजुर्ग हरिराम के परिजनों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने हरिराम को मृत घोषित कर दिया। लोग जब डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जब जहाँ से उठाया रियासी हॉस्पिटल में ले गए, हमें कहा कि इसको डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते थे। जब रियासी में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ये आदमी डेड हो चुका है, मर चुका। टूटी आस के साथ परिजन फिर से बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। हालांकि तब तक बुजुर्ग के मरने के बाद जिंदा होने की खबर किसी जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। कुछ लोग अभी भी बुजुर्ग के मरने के बाद जिंदा होने की चर्चा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते समाचार टुडे ने पूरी असलियत को आपके सामने रखा और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी को दर पर दर खोलकर हकीकत आपके समक्ष पेश की। जम्मू से समाचार टुडे के लिए शमशेर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।